सब्सक्राइब कीजिए गूगल देव चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग गूगल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। 9th ऑफ अक्टूबर 2017 को इकोनॉमिक्स फील्ड के नोबेल अवार्ड्स का हुआ है अनाउंसमेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे और ये वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी खास, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल और सही जवाब देने वाले लकी व्यूअर्स को चैनल गूगल देव की तरफ से मिलेगा एक खास इनाम। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं गूगल देव, मैं हूं किशोर। आइए चले गूगल अपडेट्स की ओर। अर्थशास्त्र के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार बाकी नोबेल पुरस्कारों से है थोड़ा अलग, क्योंकि इसकी रचना अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने नहीं की थी। अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने अपनी लास्ट विल में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, शांति और साहित्य, इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने की इच्छा जताई थी। लेकिन उसके बाद स्वीडन की सेंट्रल बैंक, जिसे स्वेरिजेस रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1968 में अल्फ्रेड नोबेल इनकी याद में अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कारों की शुरुआत की थी, जो हर साल दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं 2017 के अर्थशास्त्र के लिए दिए गए नोबेल अवार्ड्स के बारे में। शिकागो विश्वविद्यालय के रिचर्ड थेलर को इकोनॉमिक्स के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार व्यवहारिक अर्थशास्त्र पर उनके काम करने के लिए दिया गया। पुरस्कार की घोषणा करने वाली समिति ने कहा कि थेलर को अर्थशास्त्र के मनोविज्ञान पर अध्ययन करने के लिए 9 मिलियन करोड़ मतलब 11 लाख डॉलर की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। नोबेल समिति ने कहा कि रिचर्ड थेलर का काम दिखाता है कि कैसे मानवीय लक्षण बाजार के परिणामों और व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। फिजूल खर्ची की वजह बताने वाले रिचर्ड थेलर, इनका नाम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यवहार अर्थशास्त्र का विचार देने वालों में शुमार है। शिकागो बुद्ध बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थेलर की लिखी किताब नज बताती है कि लोग किस तरह से खराब और बेतुके फैसले करते हैं। ये किताब आदमी की सोच और खर्च करने के उसके तौर तरीके के बीच के रिश्ते की जांच पड़ताल भी करती है। नोबेल सम्मान का फैसला करने वाली कमेटी ने बताया कि प्रोफेसर थेलर ने बताए हुए तरीके से लोग खुद पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं प्रोफेसर रिचर्ड थेलर के बारे में। प्रोफेसर रिचर्ड थेलर शिकागो विश्वविद्यालय में बिहेवियरल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है। थेलर का जन्म न्यू जर्सी में हुआ। उन्हें 1987 में वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री मिली थी। इसके बाद वो रोचेस्टर यूनिवर्सिटी गए और वहां पर उन्हें 1970 में मास्टर डिग्री मिली और फिर 1974 में यहीं से उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1995 में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में शिकागो बूथ स्कूल पर बतौर प्रोफेसर अपनी सर्विस शुरू की। 2010 में प्रोफेसर रिचर्ड थेलर ब्रिटेन गए और वहां पर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून की मदद से वहां पर उन्होंने एक नज यूनिट शुरू किया। इसका मकसद था लोगों के आर्थिक व्यवहार में बदलाव के तौर तरीके खोजना। इस नज यूनिट के ऑफिस ब्रिटेन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और सिडनी में है। खास बात तो यह है कि प्रोफेसर रिचर्ड थेलर ने हॉलीवुड की एक फिल्म द बिग शॉट में एक महत्वपूर्ण किरदार भी निभाया है। इस फिल्म में वे साल 2007 और 2008 में वित्तीय संकट के पेचीदा आर्थिक वजहों पर बात करते हुए दिखते हैं। Yeah. My whole department's long on this stuff. They call me Chicken Little. They call me Bubble Boy. A's, zero. B's, zero. Double B's, zero. Triple B's, zero. And then that happens. What is that? That's America's housing market. आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आइए अब चलते हैं आज की सवाल की तरफ। आज का सवाल है कि इकोनॉमिक्स फील्ड के लिए दिया जाने वाला नोबेल प्राइज सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था। हु इज द पर्सन हु ओन द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फील्ड।
इस सवाल का जवाब देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जवाब वहां पर दीजिए, और साथ में दीजिए आपके कॉन्टेक्ट का कोई सोर्स, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर या फिर आपका मेल आईडी, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। सही जवाब देने वाले लकी व्यूअर्स का नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा और आपको आपका जो इनाम है आपके दिए गए एड्रेस पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल गूगल देव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।